नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। इस वीडियो में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने अतीत और वर्तमान को देखकर भविष्य का निर्माण किया है। स्वाधीनता संग्राम के समय जो समस्याएं थी वह आज भी हैं। उन्होंने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से स्त्री अस्मिता की रक्षा करने का भरपूर प्रयास किया है। नाटकीय तत्वों के आधार पर हम इसकी समीक्षा निम्नानुसार कर सकते हैं। पहला, कथानक। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। 1928 ईस्वी में इसकी रचना हुई। जयशंकर प्रसाद जी ने नाट्य क्षेत्र में नए चरित्र, नई घटनाएं, नया ऐतिहासिक देशकाल दिया है। यह नाटक गुप्त काल से संबंधित हैं। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि इसकी रचना कब हुई। ध्रुव स्वामिनी नाटक की 1928 ईस्वी में हुई। किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। नाटक का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से है। इस नाटक की मुख्य पात्र ध्रुव स्वामिनी हैं। वह अपने कापुरुष अयोग्य और क्लेवपति को त्याग देती है। चंद्रगुप्त को अपना जीवन साथी चुनती है। नारी स्वतंत्रता की स्थापना करती है। जीवन और क्रियाशील। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने अत्यंत ही सजीव पात्रों का सृजन किया है। दुष्चरित्र पात्रों में रामगुप्त और उनका मंत्री शिखर स्वामी प्रमुख हैं। सकराज के अंदर दोनों गुण हैं। चंद्रगुप्त विनय, त्याग, दया और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। चंद्रगुप्त के अंदर क्या गुण है? विनय, त्याग, दया और प्रेम के भाव हैं। परंतु रामगुप्त उसके ठीक विपरीत मद्यप, विलासी, क्रूर, विश्वासघाती और नपुंसक हैं। शिखर स्वामी का चरित्र अस्पष्ट है, मंदा और कोमा, जागृत नारी जाति की प्रतिनिधित्व करती है। पुरोहित और आचार्य मीर देव का चरित्र भी स्वाभाविक ढंग से किया गया है, यानी सभी पात्र अपने अपने ढंग से जीवन का निर्वाह करते हैं। आज भी समाज को किसी न किसी तरह से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार ये प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। अगला, संवाद योजना या कथोपकथन। ध्रुव स्वामिनी नाटक में संवाद तत्संयुक्त संस्कृत निष्ठ है। भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ है, जिसमें तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है। नाटक में चंद्रगुप्त बहुत कम बोलता है। रामगुप्त के चरित्र में आंतरिक पुलुष झलकता है। शिखर स्वामी के समाज में कूटनीति, छल और प्रपंच के दर्शन होते हैं। सकराज राजनीतिज्ञ, स्वार्थी, प्रेमी और घमंडी का व्यक्तित्व रखता है। वहीं ध्रुव स्वामिनी की संवाद योजना चरित्रों को उभारने और कथा के विकास में योग देने वाली है। यानी संवाद योजना का गठन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। अगला, शिल्प विधान। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जीवंत शब्दों की परंपरा मिलती है। उनके नाटक में अनुभूतियों के अनुकूल एक प्रवाहमयी भाषा मिलती है। कथा सहज, रोचक और प्रभावोत्पादक है, प्रभावशाली है। भाषा प्रयोग में नाटकीयता के दर्शन होते हैं। रचनात्मक ढंग भी पिछले दौर के नाटकों से अलग हैं। यही कारण है कि प्रसाद जी आधुनिक नाटककारों से अलग दिखाई देते हैं। यानी भाषा और शैली का एक अच्छा समन्वय उनके नाटकों में देखा जाता है। गुप्तकालीन ऐतिहासिक वातावरण। ध्रुव स्वामिनी गुप्तकालीन कथानक पर आधारित हैं। ऐतिहासिकता की रक्षा के लिए गुप्तकालीन वातावरण को उजागर किया गया है। ध्रुव स्वामिनी बिल्कुल आधुनिक हैं। आधुनिक होना ही आज का परिवेश है। यह नाटक के माध्यम से यह संदेश भी उजागर होता है। ध्रुव स्वामिनी का प्रतिपाद्य। ध्रुव स्वामिनी समस्त शोषित, उत्पीड़ित और पद दलित नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह अपमान और उत्पीड़न सहने को विवश नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं। नारी की अपनी मर्यादा और सहन की सीमा होती है,
उसे अत्याचारों और शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए, वह प्रेम कर सकती हैं, खुलकर सांस लेने का भी उसको अधिकार है, पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। यही ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रतिपाद्य है। अगला, नारी अस्मिता की रक्षा। नारी एक जीव है, उसका भी अपना महत्वपूर्ण अस्तित्व है। नारी का सील, उसकी मर्यादा और उसका आत्मसम्मान खरीदने और उपहार देने की वस्तु नहीं है। यानी नारी के अस्तित्व की रक्षा होनी चाहिए और यह ध्रुव स्वामिनी में स्पष्ट हुआ है। ईसा प्रसाद जी ने संकेत दिया है। उदाहरण के रूप में ध्रुव स्वामिनी नाटक में आया भी है कि नारी उपहार की वस्तु नहीं है। अगला, उद्देश्य। अत्याचारों और शोषण के खिलाफ लड़ना, यही इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। समापन या अंत। ध्रुव स्वामिनी समस्त नाटकीय तत्वों पर खरी उतरता है। नाटकीय गुण पूर्णतया संगठित हैं। यह नाटक नाटकीय तत्वों से सफल नहीं है। अभिनेता के द्वारा नए द्वार खोलने की शुरुआत करता है, क्योंकि इस नाटक में रंगमंच का अभाव दिखता है। निष्कर्ष। ध्रुव स्वामिनी लोलुप, मद्यप, क्रूर, अत्याचारी कापुरुष वर्ग से लड़ती हैं। समाज को संदेश देती हैं कि अत्याचारों और शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। यह नारी अस्मिता की मांग है और यही ध्रुव स्वामिनी नाटक का निष्कर्ष है। धन्यवाद।